जिस फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदू देवी देवताओं का प्रचार किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया, वही फिल्म इंडस्ट्री आज हमें खतरे में नजर आ रही है। उसी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर सबके सब आज हमें परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? हाल ही में दीपिका पादुकोण जी का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिस सॉन्ग का नाम है बेशरम रंग। उस सॉन्ग को विरोध किया जा रहा है। अब क्यों विरोध किया जा रहा है? क्योंकि उस सॉन्ग में उसने सैफ्रॉन कलर की बिकनी पहनी है। अब हिमालय में बैठे हुए साधु संतों को किसी ने वो सॉन्ग यूट्यूब पर दिखा दिया, या फिर साधु संत ने खुद वो सॉन्ग गलती से यूट्यूब पर देख लिया, तो उनकी भावना आहत हो गई और वो आंदोलन करने लग गए, इस सॉन्ग को बॉयकॉट करने की मांग करने लग गए, पठान इस मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे, ये डिमांड करने लग गए। तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण ये हिंदू है। इससे पहले भी कई सारे मूवीज बने हैं जिसमें हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का प्रचार प्रसार किया गया है, हिंदू ट्रेडिशन का प्रचार प्रसार किया गया है। पर जब सोसाइटी में चेंजेस आने लगा, लोगों की थॉट प्रोसेस बदलने लगी, तब ओ माय गॉड जैसी मूवी बनने लगी, पीके जैसी मूवी बनने लगी। जब धर्म का धंधा होने लगा, तब धर्म का धंधा एक्सपोज करने के लिए पीके जैसी मूवी बनी, ओ माय गॉड जैसी मूवी बनी। ओ माय गॉड में सो कॉल्ड हिंदुत्व का आइकॉन एक्टर अक्षय कुमार ने काम किया था, परेश रावल जी ने काम किया था। पीके इस मूवी को एक हिंदू ने लिखा था, ओ माय गॉड इस मूवी को भी हिंदू ने लिखा था, डायरेक्ट उसको हिंदू ने किया था, पीके मूवी को भी डायरेक्ट हिंदू ने किया था। उसमें काम करने वाला नौकर आमिर खान, अरे उसको क्यों टारगेट कर रहे हो? वो तो एक नौकर है भाई, लिखने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, डायरेक्ट करने वाला, ये तो हिंदू थे। हाल फिलहाल आदि पुरुष नाम का एक फिल्म आ रही है, उसका टीजर सिर्फ रिलीज हुआ, वो फिल्म का बजट है 500 करोड़। तो 500 करोड़ की फिल्म बनाने वाला हिंदू डायरेक्टर वो खुद भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसके भी फिल्म को बैन कर दिया जा रहा है, उसके भी फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का ये केवल एक ट्रेलर है जिसमें हिंदू भी परेशान है। तो इस देश में जो टुकड़े गैंग है जो हिंदू है, इस देश में जो लिब्रांडू है जो हिंदू है, इस देश में जो बुद्धिस्ट है जो हिंदू नहीं है, इस देश में जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है जो हिंदू नहीं है, तो ऐसे माइनॉरिटी वाले, माइनॉरिटी ग्रुप जो टुकड़े गैंग और लिब्रांडू है, उनको मैंने माइनॉरिटी में डाल दिया है। क्योंकि हिंदू होने के बावजूद उनको हिंदुओं से अलग माना जाता है। क्यों अलग माना जाता है? क्योंकि उनकी राय अलग होती है, उनके ओपिनियंस अलग होते हैं। अगर इनको हिंदुओं से माइनस कर दिया जाए तो हिंदुओं की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। तो दोस्तों, किस बेस पे ये लोग हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे हैं? और हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है। हिंदू राष्ट्र की ट्रेलर में जो घटनाएं घट रही है उसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का जब पिक्चर रिलीज होगा तब आपकी हालत क्या होगी। हिंदू राष्ट्र के ट्रेलर से ही इस देश का हिंदू परेशान है। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का मूवी यानी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की जाएगी, हिंदू राष्ट्र में फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की बात नहीं की जाएगी, हिंदू राष्ट्र में केवल जय श्री राम, जय श्री कृष्ण की बात की जाएगी। और वो भी कैसे? इनको जैसे लगता है वैसे। अगर आप आदि पुरुष लेकर आ रहे हो, मूवी बना रहे हो और श्री राम के ऊपर बेस्ट स्टोरी बना रहे हो, पर इनके हिसाब से नहीं बना रहे हो, तब भी ये लोग आपको विरोध करेंगे। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र में जिस प्रकार का ट्रेलर हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा दिखाया जा रहा है, फिर वो करणी सेना हो, बजरंग दल हो, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या हिंदू महासभा हो, या सनातनी कोई भी संगठन हो, उनके द्वारा जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, उससे आप लोग समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र स्थापित होने पर आपका क्या हाल होगा। तो यही बात बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।